नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो सम्मेलन का आयोजन किया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देशानुसार दुमका जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा के पहली वर्षगांठ मानने के लिए राष्ट्रव्यापी जिला स्तरीय भारत जोड़ो पदयात्रा और भारत जोड़ो सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत जोड़ो पदयात्रा की शुभारंभ स्वामी विवेकानंद चौक से शुरू होकर के फूलों झानो चौक से होते हुए वीर कुंवर सेन चौक पहुँच वहाँ सभा में परिवर्तित हो गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दुमका जिला अध्यक्ष महेश रामचंद्र वंशी ने किया। प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा की गई भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक यात्रा साबित हुई। इस यात्रा से आम जनता में कांग्रेस के प्रति विश्वास जगा है। प्रदेश महासचिव रविंद्र वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने काम किया है। केंद्र सरकार के द्वार की जा रही तानाशाही रवैया के खिलाफ बोलने का कार्य किया। जिला अध्यक्ष महेश रामचंद्र वंशी ने कहा कि राहुल गांधी जी के बातों को जन जन तक पहुँचने कार्य दुमका जिला कांग्रेस करेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम प्रभारी ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह, दुमका जिला कांग्रेस प्रभारी रविंद्र वर्मा, दुमका जिला अध्यक्ष महेश रामचंद्र वंशी, अवधेश प्रजापति, प्रेम साह, संजीत सिंह, स्टीफन बसेरा, गणेश सिंह, छवि बागची, माथा हंसदा, अरबी खातून, सत्यनारायण यादव, अली इमाम, सुनील किस्कू, रोमी इमाम, अशोक यादव, दशरथ मंडल, गौरव सिंह, विलियम टुडू, अजरुद्दीन अंसारी सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। धनबाद जिला ब्यूमरो पप्पू केवट की रिपोर्ट।